अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं ऑलमंड केक। चले हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑलमंड केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम टिन को रेडी करेंगे। ये टिन को मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद ऊपर मैंने बटर पेपर काट के लगा दिया है। अब मैं इस पे अच्छी तरह एक मोटी सी तह लगाऊंगी बटर के साथ। ये देखे रूम टेम्परेचर पे बादाम को मैंने तमाम टिन पे सेट कर दिया। जो क्रश किए हुए थे उन्हें मैं इस तरह साइडों पे लगाऊंगी। मैं थोड़ा इधर साइडों पे लगाते जाएंगे, इसी तरह चारों तरफ मैं इसके लगा दूंगी। टिन हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे साइड पे रखते हैं, अपना नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ऑलमंड केक के लिए मैंने योक को सेपरेट कर लिया। अब ये व्हाइट पार्ट है, इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। एग के व्हाइट पार्ट को तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट तक बीटर की मदद से बीट किया। ये देखिए इस तरह व्हाइट सा हो गया। अब हम इसे कर देते हैं साइड पे, अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैं चीनी और ये ऑयल और बटर को मिक्स करके इन्हें अब हम बीट करेंगे। अब हम चीनी और ये जो ऑयल और बटर है इसे अच्छी तरह बीट करेंगे। चीनी और ऑयल देखें मिक्स हो गया। मैं एक एक करके इसमें एग योक डालती जाऊंगी और इसे बीट करते जाएंगे। तमाम योक इसमें मैंने बीट कर लिया। ये व्हाइट वाला पार्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको मैं थोड़ा सा बीट करूंगी। तमाम चीजें देखें मैंने मिक्स कर दी हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं ऐड करना चाहते आप इसे स्किप कर दें। इसी तरह ये येलो फूड कलर मैं यूज कर रही हूँ, ये भी एक चुटकी ही मैं यूज करूंगी। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसे सेट कर लूंगी इसकी मदद से और इसको बाद में हम टैप करेंगे ताकि कोई एयर बबल है वो इसके सारे खत्म हो जाए। केक को अब हम 25 मिनट बेक करेंगे 180 टेम्परेचर पे। ये नीचे उसकी केक की बेस खराब ना हो जाएगी। मैं एक ट्रे यूज कर रही हूँ, ऊपर ये मेरे पास केक की एक बेस पड़ी हुई थी वो यूज करेंगे और साथ ही ऊपर केक रख के इसको मैं बेक करूंगी ताकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बेक होने की वजह से जल ना जाए। हमारा ऑलमंड केक रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केक पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए इस रेसिपी को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।